देख रहे हैं जी बिजनेस पर दशहरा स्पेशल। मैं हूं साक्षी बत्रा। माता का आशीर्वाद तो आप सभी पर है और हमारी ये कोशिश है कि इस दशहरा के पावन मौके पर आप पर धन की भी वर्षा हो। आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ेंगे 10 जानकार जो बताएंगे कि दशहरा के मौके पर आप कहाँ निवेश करके बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट्स हैं दिलीप भट्ट जो कि प्रभुदास लीला दर के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। साथ ही आप देखिए दिलजीत कोहली भी हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया निवेश सिक्योरिटी से। वीके शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटी से। और साथ ही हमारे साथ होंगे देवेन चौकसी, MD हैं KR चौकसी के, और संजीव भसीन भी हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद रहेंगे, VP हैं IIFL के। साथ ही प्रमोद गब्बी का भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हैं एम्बिट इन्वेस्टमेंट से। सुनील जैन निर्मल बैंक से हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। साथ ही TS हरिहर भी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही हमारे साथ होंगे महेश पाटिल बिरला सन लाइफ AMC के, और साथ ही होंगे हमारे साथ हेमंत ठुकराल आदित्य बिरला मनी के। स्वागत है आप सभी का। जान लेते हैं कि सबसे पहले निवेशकों का क्या मानना है, बड़े मार्केट एनालिस्ट का क्या मानना है कि ऐसे बाजार में निवेश के मौके आपके लिए कहाँ हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम दिलीप भट्ट के साथ। मिस्टर भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस में आप क्या मानते हैं निवेशकों के लिए कहाँ है इस वक्त मौका? मुझे लगता है ये सब स्पेस में से हमको SBI खास करके बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि आफ्टर दिस कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज इनटू वन बैंक, उनका ओवरऑल मार्केट शेयर अमंगस्ट द PSUs विल स्टिल गो अप, एट बेस्ट एट वर्स्ट इट विल रिमेन सेम और इट कैन इवन गो अप। जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास ट्रेजरी प्रॉफिट्स है विच विल हेल्प देम टू कुशन अगेंस्ट द NPAs या फिर कवरेज रेशियो बढ़ाने में। और ऐसा लग रहा है कि अगर हम और भी उसकी डेटा को एनालाइज करें तो ओवरऑल द वर्स्ट अपीयर्स टू बी बिहाइंड अस। और अगर इसका प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो लग रहा है कि शायद यहां से भी इट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड अप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months। जी, तो PSU बैंकिंग स्पेस से SBI में निवेश का अच्छा मौका है। साथ ही देखते हैं ऑटो स्पेस ने बीते कुछ सेशंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हमने देखा हाल में जो डेटा आया है CM की तरफ से, उसमें दोनों ही डोमेस्टिक बिक्री, चाहे वो टू व्हीलर फ्रंट पर हो या फिर फोर व्हीलर फ्रंट पर हो, सभी की बेहतरीन रही है। ऐसे में ऑटो स्पेस में उनकी क्या चुनाव है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक जहां तक प्योर ऑटो प्ले है, even I believe that things are expensive, it is little beyond the valuations, लेकिन ये ऑटो में ऐसे दो तीन स्टॉक है जैसे मारुति है जिसको आप कभी भी अपने कोर पोर्टफोलियो में रखना पसंद करेंगे, भले वो फॉर द शॉर्ट टाइम इट कैन ट्रेड इन एन ओवर वैल्यूड सिनेरियो, क्योंकि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कंपनीज लाइक मारुति विल ऑलवेज डू वेल एंड एस्पेशली इन अ सिनेरियो लाइक इंडिया, तो उसको हम शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते हैं। ये जैसे एकदम सही रहा है कि ये एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा और इसका री रेटिंग जो हो रहा है दैट इवन दैट पॉसिबली विल कंटिन्यू। जहां तक तो मुझे लगता है इन द ऑटो आई विल स्टिल गो फॉर मारुति और समथिंग लाइक टाटा मोटर्स इज समथिंग विच वी लाइक। और जहां तक ऑटो एंसिलरी का कंसर्न है, मुझे सेक्टर है, मुझे लगता है समथिंग लाइक एन एक्साइड लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट, और टायर शेयर भी काफी अच्छे रनअप कर चुके हैं, तो मुझे उसमें एकदम आई वुडंट बी इन अ हरी टू बाय द स्टॉक्स। सो आई थिंक आई वुड लुक एट समथिंग लाइक भारत फोर्ज ऑल्सो स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म, बट भारत फोर्ज इज नॉट जस्ट अ डोमेस्टिक प्ले, इट्स अ प्ले ऑन द रिकवरी इवन इन US एंड इवन इन यूरोप। तो इसके लिए एक भारत फोर्ज उसमें और एक्साइड, ये दो स्टॉक में जरूर हम ऑटो एंसिलरी में देखना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, तो ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से भी भारत फोर्ज उनको एक अच्छा पसंदीदा पिक लगता है जहां पर आप निवेश कर बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। दलजीत कोहली भी है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं खासतौर पर फार्मा स्पेस में कहां है निवेश के मौके। बेहतरीन मिड कैप फार्मा स्पेसेस में एक हमने देखा है परफॉर्मेंस बीते कुछ सेशन में, ऐसे में कौन सी पिक्स आपके लिए बेहतर हो सकती है जान लेते हैं। फार्मा सेक्टर में मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि दो तीन कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके नंबर डेफिनेटली बहुत बेटर रह सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि ये जो मलेरिया, चिकनगुनिया और ये सब जो प्रॉब्लम्स दिल्ली और बाकी जगह शहरों में चल रही हैं, तो जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स काफ़ी बेटर रह सकते हैं। तो जैसे हम बात करें इपका है, अलम्बिक है, JB केमिकल्स है, इनके नंबर्स काफ़ी बेटर रह सकते हैं।
एज कम्पेयर टू बाकी पीयर्स। जी बिल्कुल मिस्टर कोहली, देखा जाए तो इप्का लेबोरेटरीज और अल्बिक फार्मा जैसे फार्मा स्पेस से तो आपने चुनाव किए ही हैं। हमने बीते कुछ सेशंस में ये भी देखा है कि बैंकिंग स्पेस को भी आउट परफॉर्म किया है NBFCs ने, लेकिन मिड कैप स्पेस में कहां पर है निवेश के मौके? मिस्टर वी के शर्मा भी है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। मिस्टर शर्मा, देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों में मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, खासतौर पर ब्रॉडर इंडिसीज की बात करें, और ऐसे में ही मिड कैप सेक्टर में कहीं ना कहीं जरूर सपोर्ट दिया है मार्केट्स को। मिड कैप सेक्टर में आपके टॉपिक्स क्या हैं? मैं दो स्टॉक्स का जिक्र करूंगा जो आपके पहले भी जिक्र कर चुका हूं आपके चैनल पे, और मैं समझता हूं कि एक आम निवेशक को कोई स्टॉक का अगर गिरता है तो उसमें कंसोलिडेशन उसको एवरेज करना चाहिए, और उन स्टॉक्स में जहां पे आपको रीसेंट अगले एक दो साल के अंदर आपको क्रेडिबिलिटी दिखाई देती है, विजिबिलिटी दिखाई देती है, और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मार्केट के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत चल सकें। तो ऐसे एक स्टॉक मैं लगातार करता आया हूँ, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। अभी भी वो अपने नए हाई पे है, 52 वीक हाई है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 7 साल का हाई है, पर ऑल टाइम हाई नहीं है। ऑल टाइम हाई इसका 750 रुपये है, 780 रुपये के आसपास है, जो करीब 2007 में ये गया था। तो मेरे ख्याल से ये बताना अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स को कि ये वो स्टॉक है जो आप बाकी आप टेलीकॉम क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें, हालांकि कोई इसको टेलीकॉम में गिनता नहीं है, अब मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में गिन सकता हूं, और कारण तो मैंने पहले बताई दिए, दोबारा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये अगर स्टॉक नीचे आता है, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं, और नीचे आता है तो बाकायदा ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीन ट्रिगर है, बड़ा डिविडेंड जो 1.5 साल में आ सकता है, दूसरा गवर्नमेंट जब 26% स्टेक बेचेगी तो रीरेटिंग हो जाएगी, और इसका जब ये जमीन यहाँ से निकल जाएगी उसके बाद ये स्टॉक रियली में जो लीडर है Level 3 नास्डेक लिस्टेड उसके मुकाबले ये बहुत ही चीप हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी रेटिंग वो तब होगा, वो आखिरी अंतिम चरण होगा, तो इसको प्ले आउट करने के लिए वो 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक जो मैं बताना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, और वो ये कि दोबारा इसको बोल रहा हूँ, पहले बोल चुका हूँ, वो है आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल। तो ये जो स्टॉक है ये जो साउथ का बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रुप है उस ग्रुप का एक हिस्सा है, और इसकी जो अर्निंग्स हैं 7.5 रुपये हैं, और आगे चलते हुए ये मेरे ख्याल से समय कम है तो यहीं पे ये बता दूं कि आप 15-25% के CAGR के लिए इस स्टॉक को अगले 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी मिस्टर शर्मा, लेकिन अगर देखा जाए बीते एक साल में पिछले दशहरा से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो मार्केट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप निफ्टी की ही बात करें तो करीब 7% तक का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने भी करीब 5% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए या फिर अगले दशहरे तक की बात करें तो कौन से शेयर्स होंगे जहां पर निवेश की सलाह होगी? अगर मैं एक सेफ सी दो स्टॉक चुनने हो अगले एक साल के लिए तो रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा पिक है, और उसके कारण मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये एक आम निवेशक इस बात से घबराता है कि मार्केट तो बहुत ऊंचा है अब मैं क्या लूँ। तो आपको बता दें कि ये वो स्टॉक है जो 7 साल के जो हाई था 2008 में उससे भी ये नीचे है करीब 30%, और अभी भी टेक्निकली इसने पिछले सप्ताह में पिछले 15 दिन पहले 1100 लेवल को क्रॉस किया था। तो ये एक टेक्निकली इस ऐसा पैटर्न बनाता है, आपके चैनल पर जिक्र कर चुका हूँ, जो इसको 1300-1400 तक लेके जा सकता है। तो ऐसे वक्त के अंदर और जो कैपेक्स कर चुका है 3.5 लाख करोड़ का, 2 लाख मेन बिजनेस में, 1.5 लाख जियो में, तो वो पूरा हो चुका है, तो अब इसका रंग नोट गिनने का टाइम आ रहा है अब। तो मेरे ख्याल से सभी तरह से ये किया है। दूसरा स्टॉक मैं जिक्र कर चुका हूँ वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बहुत ही लो वो कोई फैंसी स्टॉक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंटली इसको बोल सकता हूँ कि निवेशक इसको खरीद सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एवरेज करने की जगह रखे अगले एक साल के लिए। जी बिल्कुल, तो मिस्टर शर्मा की तरफ से भी लॉन्ग टर्म पिक्स यहाँ पर बताई गई हैं, रिलायंस और साथ ही कार्बोरंडम में आप निवेश करके बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं। ऐसे में देवेंद्र चौकसी भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर चौकसी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से दर्शकों को क्या निवेश की सलाह है? जो चीज़ के अंदर हमने ज़्यादा विश्वास है उनके अंदर वी फील दैट वन एग्रोकेमिकल कंपनी विच इज़ UPL, वहाँ पे एग्रोकेमिकल एंड सीड बिजनेस ऑफ UPL, आई थिंक वी रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव, वहाँ पे ग्रोथ का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है। दूसरे स्पेस के अंदर ध्यान देना है तो आइदर अ कंपनी लाइक बजाज ऑटो और मे बी अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स विद इन ऑटो स्पेस, आई थिंक दैट कैन प्रॉबली गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। We continue to like, I think, companies in the insurance space, and that's where I think our preference has remained with Bajaj Finserv, and that is one company which we believe that I think it is good for the long-term investment. So yes, I think there would be selective choices that we have.
and we could possibly see this company staying in our portfolio and buy at lower levels if market gives an opportunity. जी, संजीव बसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मिस्टर बसीन, आपके पास आना चाहेंगे. मिड कैप स्पेस से आपकी चुनिंदा पिक्स क्या होंगी? क्या आपने कुछ चुनिंदा एंटरटेनमेंट स्पेस से या पैकेजिंग स्पेस से आपके कोई पसंदीदा शेयर्स हैं? हाँ, तो उसमें हमारा टॉप पिक है जो न्यू हाई रोज के रोज मार रहा है, वो है फिनिक्स लैंप और सुप्रजीत इंजीनियरिंग. सुप्रजीत हैज एक्वायर्ड फिनिक्स लैंप. 4:5 इज द मर्जर रेशियो. बेस्ट प्ले एज एन ओईएम ऑन द ऑटो साइड एज फार एज द केबल मार्केट गोज एंड एक्सपेंडिंग इन टू द हेलोनिक्स. तो ये 160-165 है. अभी हमने 110-112 पे आपके चैनल पे रिकमेंड किया है. अभी भी हम ओवरवेट हैं. हमें लगता है सुप्रजीत इंजीनियरिंग और दोनों फिनिक्स लैम्प आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए. उसके अलावा आपको बताएं वरिंदर, आज कॉस्मो फिल्म फिर न्यू हाई मारा है 2 दिन पहले, एट अ टाइम जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है. और ये हमारा बेस्ट जीएसटी प्ले है ऑन द बैक दैट पैकेजिंग इंडस्ट्री विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. साथ ही साथ आपको एक और रियल एस्टेट का शेयर जो हम काफी बुलिश हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी. आज आफ्टर कंसोलिडेटिंग 338-340 में जिसने 355 का हाई मारा एंड सो ऑन. अगर आप फेस्टिवल सीजन का कह रहे हैं तो डिश टीवी केम डाउन टू लेवल्स ऑफ 89-90. अभी भी हम कह रहे हैं 94-95 में अक्यूमुलेट कीजिए. दिस इज द बेस्ट प्रॉक्सी. दिवाली का हमारा टारगेट ट्रिपल डिजिट्स में है एट द एंड ऑफ द मंथ. तो हमें लगता है 105-110 तक का लेवल आप देख सकते हैं डिश टीवी. ऑल्सो इसमें सजेस्ट करेंगे सम लार्ज कैप सीमेंट काउंटर जो काफी करेक्ट हो चुके हैं. सीमेंट नंबर जो मैक्रो डेटा पे आए हैं, हैव शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन द लास्ट 2 मंथ्स. और हमें लगता है एसीसी और अल्ट्राटेक ये दोनों शेयर यहाँ से अक्यूमुलेट करने चाहिए फॉर अ 15% अपसाइड बाय द एंड ऑफ द ईयर. जी बिल्कुल. तो संजीव भसीन की पिक्स खासतौर पर सीमेंट स्पेस से एसीसी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और स्ट्रांग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. सुनील जैन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि फेस्टिवल सीजन के मौके पर उनके पास कौन सी पिक्स हैं. मिस्टर जैन, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसे मौके में इलेक्ट्रिकल्स में देखें सीमेंट स्पेस, जिस तरीके से मिस्टर भसीन भी अभी बात करें, ऐसे स्पेस में आपके पास भी कोई चुनिंदा पिक्स है? इस सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की कंपनियों के फायदे बढ़ेंगे, तो इसी सेक्टर में एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है लॉयड इलेक्ट्रिकल. इसमें दो बिजनेसेस है, एक कंज्यूमर का बिजनेस है और एक जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. कंपनी इस बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की राह पर भी देख रही है, तो उसका भी बेनिफिट आ सकता है. प्लस ये सीजन में जो ग्रोथ आएगी उसका भी बेनिफिट आ सकता है. तो ये कंपनी हमें कंपैरेटिवली ठीक लगती है और वैल्यूएशन भी ठीक लगता है. हो सकता है डीमर्जर पे भी इसका वैल्यू, अगर कंपनी डिसीजन लेती है कि ये इन दोनों को डीमर्जर करे तो एक अच्छा वैल्यू इमर्ज हो सकता है. इसके अलावा जो स्टॉक्स हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं वो है सीमेंट सेक्टर में. अगर आप सीमेंट देखेंगे तो जो बरसात का सीज़न था उसमें भी सीमेंट प्राइसेस करेक्ट नहीं हुई, और अब उनका जो आगे का पीरियड है वो है जिसमें उनकी अच्छी डिमांड बढ़ती है. और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का भी एक नया पुश गवर्नमेंट ने चालू किया है तो उससे भी उनसे इसकी डिमांड बढ़ेगी. तो मुझे लगता है कि सीमेंट के प्राइजेस अभी स्ट्रांग है और भी फर्दर स्ट्रांग हो सकते हैं. तो इसमें हमें जेके सीमेंट काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसे यहाँ पर करंट प्राइस पे खरीदा जा सकता है. जी बिल्कुल. तो मिस्टर जैन की तरफ से भी आपको पिक्स बताई गई हैं फेस्टिवल सीजन के मौके पर. उनको लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपको निवेश करना चाहिए, खासतौर पर लॉयड इलेक्ट्रिकल्स का उन्होंने नाम लिया. साथ ही उनका मानना है कि आगे चलते हुए सीमेंट के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होगा और ऐसे में जेके सीमेंट आपके लिए एक अच्छा दाव हो सकता है. हमारे साथ अब जो जुड़े हैं वो हैं टीएस हरिहर, मार्केट एक्सपर्ट हैं. मिस्टर हरिहर, आपसे जानना चाहेंगे कि दशहरे के इस मौके पर आप निवेशकों को कहां निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? यहाँ पे मार्केट उस मकाम पे है जहाँ पे आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. तो मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए अगला 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, प्री फेस्टिव पोस्ट फेस्टिव. तो आई थिंक प्रोबेबली सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी जहाँ पे लीवर आईटीसी है, या यू नो स्टॉक्स लाइक इक्विटास, यू नो यूपीएल, मेरे ख्याल से काफी ऐसे स्टॉक्स है जो अगले 2-3 महीने में आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं. तो आई वुड बिलीव पहली बात है कि अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए. डोंट लुक एट सेक्टर्स, डोंट लुक एट ओवरऑल इंडेक्स. इंडेक्स चाहे कहीं भी न जाए, आई थिंक स्पेसिफिक स्टॉक्स पर डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है. जी, महेश पाटिल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास पेशकश में. पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, अच्छे नतीजों की उम्मीद है और नतीजों के दम पर जहां पर बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं?
क्यूटी में भी सेम ट्रेंड दिखनी चाहिए, और लग रहा है कि सेक्टर्स अगर वाईओवाई बेसिस से, ईयर ऑन ईयर बेसिस से अगर देखा जाए तो सेक्टर्स में जैसे देखिए ऑटो सेक्टर में अच्छे नंबर्स आने चाहिए, सीमेंट में काफ़ी अच्छे नंबर्स आने चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर, मीडिया सेक्टर के नंबर्स भी अच्छे होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ऑल्सो विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट गुड नंबर्स. तो ये सब सेक्टर्स में एक्चुअली कंपेयर टू लास्ट ईयर अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए. बट अगर वैल्यूएशन और इसका अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर अभी भी ठीक लग रहा है, बिकॉज वाइल स्टॉक्स रैली कर गए हैं बट आगे दो तीन साल के लिए कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन में अगर बढ़ोतरी आती है तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे कर सकते हैं. उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक है और नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए. बीच में रिफाइनिंग मार्जिन्स नीचे आ गए थे बट वापस वो ऊपर आ गए हैं, तो वो सेक्टर है जहाँ पे एक वैल्यूएशंस अभी भी ठीक है और अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक है, तो वहाँ पे री रेटिंग होने की पोटेंशियल है. सो वैसे बाज़ार में अगर देखा जाए तो ओवरऑल वैल्यूएशंस तो सभी सेक्टर्स की काफ़ी मजबूत है. आई मीन ऐसे एकदम अट्रैक्टिव कुछ दिख नहीं रहा है बट आई थिंक ग्रोथ और विजिबिलिटी जहाँ है वो सेक्टर्स डिस्पाइट हायर वैल्यूएशंस आई मीन विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म. जी, तो पाटिल साहब का कहना है कि अर्निंग्स के लिहाज से मीडिया सेक्टर इनको अच्छा लगता है, ऑटो सेक्टर में निवेश किया जा सकता है और खासतौर पर वैल्यूएशंस के लिहाज से ऑयल एंड गैस सेक्टर भी इस वक्त पसंद है जहां पर उनको लगता है अर्निंग्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगी. मुझे हेमंत टुकराल के पास चलते हैं. टुकराल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑयल एंड गैस स्पेस से ही अगर ओएमसीज की बात करें तो 52 वीक्स के हाई पर अभी सभी ओएमसीज काम करते हुए नजर आ रही है. फार्मा स्पेस की अगर बात करें तो मिड कैप फार्मा ने अच्छा रुझान दिखाया है पिछले कुछ सेशंस में. क्या दोनों ही सेक्टर्स में आपके कोई पसंद शेयर्स हैं? मैं OMCs को सबसे ज्यादा चूज करूंगा. मेरे हिसाब से अभी भी इस रेट पे भी HPCL, IOC, BPCL आप इनमें निवेश कर सकते हैं. ट्रेडिंग के भी लहजे से मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि HPCL इज हेडिंग टूवर्ड्स 475 और आप स्टॉप लॉस रखिए 442 का, तो एनी करेक्शन यू शुड बाय HPCL. तो OMCs एक ऐसी साइड है जो मुझे लगता है कि मार्केट के करेक्शंस या मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी वेदर कर सकता है. उसी प्रकार से आई वुड स्टार्ट लुकिंग एट फार्मा स्टॉक्स ऑल्सो. मुझे ऐसे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में भी थोड़े जो है बाइंग देखने को मिल रहा है. जैसे अब लूपिन अगर आप देखें, एक स्टॉक हमने निकाला है रिकमेंडेशन के लिए जो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन मोड में है, 1450-55 का बहुत स्ट्रांग बॉटम बना रहा है. हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इट कैन टेस्ट 1535. तो लुपिन और ओरो फार्मा स्ट्रांग लग रहे हैं फार्मास में. तो लुपिन और ओरो फार्मा पर निवेश की सलाह है फार्मा स्पेस से. चलते हैं प्रमोद गब्बी के पास, एम्बिट इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ जुड़े हैं. गब्बी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अर्निंग्स के लिहाज से आप कौन से सेक्टर्स पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं? क्या कुछ NBFCs और प्राइवेट बैंक्स आपके बाइंग रडार में है? Given where valuations are, you'd rather look at earnings visibility, which is key to justify those valuations and avoid situations where valuations have already run up ahead of themselves and there are scope for earnings disappointments. In terms of where earnings are going to sustain, if not improve from here, we'll look at two spaces in particular, consumption and financials. Within financials, of course, we're talking about private sector financials. Both these spaces, we think there is enough going to believe that earnings growth is going to sustain, if not improve from here. Within consumption, we move positive on the discretionary side as opposed to staples, given the effect of relatively better monsoons compared to the last 2-3 years, and also the effect of the 7th pay commission, which has already resulted in a positive start to the festive season. Financials, we've seen a significant reduction in the cost of funds coming through the reduction in yields in the bond market, as well as the plenty of liquidity that's been infused by the RBI. There again, we focused on the private sector banks and NBFCs, which will benefit from this liquidity and are able to boost their margins and also growth. So yeah, consumption and financials would be where we think earnings growth is going to be strong and would be spaces that we would favor.
जी बिल्कुल, तो मिस्टर गब्बी के हिसाब से अर्निंग्स के लिहाज से आप फोकस कर सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, एनबीएफसीज के उनको काफी अच्छे वैल्यूएशंस नजर आते हैं जहां पर आप बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, और ये मौका है यहाँ इस तरीके के सेक्टर्स में चुनिंदा पिक्स लेने का। चलिए इसी के साथ समेट लेते हैं हमारी इस खास पेशकश को। सभी 10 जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको इस दशहरे के मौके पर जो उन्होंने चुनिंदा पिक्स बताई है, हम उम्मीद करते हैं दशहरा के मौके पर आप यहाँ निवेश करके आपको धन की वर्षा तो होगी ही, साथ ही आपके जीवन में सुख संपत्ति भी आएगी। इसी के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।